Hey everyone, hello. हाय हाय लो, पहचान सकते हो इसे? ठीक है, इसकी पैंट को देखो। इसकी पैंट, वैसे तो नाम स्क्वायर है लेकिन इसकी पैंट रेक्टेंगल है। काफी फेमस कार्टून होता था। ठीक है, जरा इसे चेकआउट करना, अच्छा कार्टून है, देख लीजिए। चलो वापस आते हैं। आज हम लोग करेंगे व्हाइल लूप। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर लूप किया था, बट नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाइल। ठीक है, तो व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, इनका काम होता है बार बार से एक ही कोड पे इटरेट करना, उसे रिपीट करना। डिफरेंस क्या है, हमारे पास फॉर लूप था, तो फॉर लूप को हम पहले इनिशियलाइज करते थे, उसके बाद एक कंडीशन पुट करते थे, और उसके बाद हम एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो लगाते थे, कोड पे डिपेंड करेगा। और ये इसके नीचे इसका कोड ब्लॉक होता था। व्हाइल लूप में क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास व्हाइल है, ओके, और ये इसका कोड ब्लॉक है। यहाँ जो भी इसका कोड होगा वो मैं लिख दूंगा। व्हाइल लूप के स्टार्ट होने से पहले मैं जो भी वेरिएबल ले रहा हूँ उसे मैं इनिशियलाइज करूंगा, फिर व्हाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन रखूंगा, एंड फाइनली यहाँ पे बॉटम पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी मेरा कोड है उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करना होगा। तो चलो एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये कोड मैंने पुराना कॉपी पेस्ट किया है अपने वाला। यहाँ पे बस वाई फॉर लिखा हुआ था, उसकी जगह व्हाइल आ गया, बाकी आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ int i इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे व्हाइल, और यहाँ इसके कोड ब्लॉक हो गए। नेक्स्ट व्हाइल में मैंने एक कंडीशन टाइप कर दी कि जब तक लगे रहो, जब तक i की वैल्यू लेस देन 10 है। और फिर मैंने यहाँ लिखवा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ओके ये। और फिर यहाँ मैंने लिख दिया हाय हेलो, काफी बड़ा वर्ड हो जाएगा तो इसकी जगह मैं शॉर्ट से मैं लिख रहा हूँ हाय लो। ओके हाय हेलो, तो ये मुझे प्रिंट करवाना है। चलो साथ में मैं भी ये भी चेक कर देता हूँ। ठीक है, मैं कितनी बार प्रिंट करवा रहा हूँ, तो हाय हेलो, इसके बाद मैं लिखा यहाँ पे नंबर, इसका क्या नंबर है, नंबर को पाउंड के साइन से हैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हाय लो नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास हो गया आई। ठीक है, मैं कौन से नंबर वाले पे हूँ, मैंने ये लगा दिया। अगर कोड को मैं अभी के अभी रन करूँ तो प्रॉब्लम क्या आएगी, चेक कीजिए। सॉरी, अगर कोड को अभी के अभी मैं रन करूँ तो प्रॉब्लम हमारे पास एक आएगी। मैंने डिफाइन किया int i इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद मैंने लिखा व्हाइल, और मैंने चेक किया i लेस देन 0, और फिर यहाँ पे मेरा कोड है। तो ये कोड यहाँ पे जाएगा, सॉरी, आई की वैल्यू 10 से लेस है, तो ये वापस हमारा कोड यहाँ पे आएगा, फिर आई की वैल्यू 10 से लेस है, फिर हमारा कोड यहाँ पे आएगा और आता रहेगा। आई की वैल्यू 1, सॉरी, आई की वैल्यू 0 है और आप इसमें कभी भी चेंज नहीं कर रहे हो, तो आई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और आपका कोड हमेशा रन करता रहेगा। तो ये एक इनफिनाइट लूप हो गया। तो कंडीशन को ध्यान से रखना, और इसके बाद मैंने यहाँ कर दिया आई प्लस प्लस सेमी कॉलन, सेमी कॉलन कंट्रोल एस। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे विंडोज का बटन दबाया, कमांड प्रॉम्प्ट टाइप किया, पावर शेल में भी तुम काम कर सकते हो विंडोज XA से, CD, फिर अब तो आदत हो गई होगी, डेस्कटॉप, फिर CLS, फिर जावा सी, फाइल का नाम था व्हाइल। मैं एक ही साथ कोड रन कर लेता हूँ जावा। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, ये कोड मेरा एरर देगा, ये कोड एरर देगा। एनीवन, कोई बता सकता है, अगर मैं इसको यहाँ रन करूँ तो ये एरर दे सकता है? चलो चेक कर लेते हैं, हिट एंटर, मध्य 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 एरर प्लीज, ओके, इसने एरर नहीं दी, थैंक यू। देखो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था हमारे कोड में एरर आ सकती है, बिकॉज मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी और उसके साथ मैंने ये वाली स्टेटमेंट रन करवा दी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, व्हाइल लूप की क्लास है। वापस चलते हैं विंडोज डी पे, आप चेक कीजिए, मैंने व्हाइल लूप बनाया, ये मेरे पास एक फाइल थी, मैंने ये फाइल बनाई।
सबसे पहले ये जो मेरी स्टेटमेंट है जावा सी, ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या करेगी, हमारे कोड को रन करेगी। और हमारे कोड में क्लास कौन सी है, क्लास का नाम मैंने व्हाइल लूप दे रखा है। तो ये कोड हमारा रन होने के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फाइल बन जाएगी ये, ओके। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास नई क्लास की फाइल बनी है उसका कोड रन करवा रहा हूँ, ओके। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था इस कोड में एरर आ सकती है, बिकॉज मुझे लगा कंपाइलर हो सकता है दोनों स्टेटमेंट को एक साथ रन करवाने की कोशिश करें, तो दोनों अगर एक साथ रन हो जाए तो ये फाइल तो उसे मिलेगी ही नहीं क्लास वाली, और हमारी एरर आ जाएगी। बाकी चलो अच्छा हुआ, सबसे पहले कंपाइलर ने ये स्टेटमेंट रन की, उसके बाद जैसे ही ये रन हो गई फिर ये एंड पे गया और इसने सेकंड स्टेटमेंट रन की, तो चलो ये अच्छी चीज़ है। बाकी चलो वापस आते हैं, हाइलो नंबर 0, हाइलो नंबर 1, ऐसे हो गया नंबर 9 तक। तो 0 to 9 हमारे पास यहाँ 10 स्टेटमेंट्स हो गई। चलो कोड को चेंज करने की कोशिश करते हैं हल्का सा। ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसे मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ i++ ये मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। कोड में क्या चेंज आएगा चलो चेक करते हैं। तो ऊपर मैंने वही फाइल लिखी और हिट एंटर, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन फ़ायदा ये हो गया, ठीक है, कि यहाँ 0 से था और यहाँ 1 से काउंटिंग है, यहाँ 9 तक गया था और यहाँ मेरा 10 तक जा रहा है नीचे, आप देख सकते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने पहले ही लगा दिया। पिछले केस में पहले ये स्टेटमेंट रन हो रही थी उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ रही थी, यहाँ पे पहले ही आई की वैल्यू बढ़ रही है और उसके बाद स्टेटमेंट रन हो रही है, तो इस सेंस में हमारा कोड काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लगे रहो। तो सबसे पहले मैंने इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद मैंने कंडीशन पुट की, और कंडीशन पुट करने के बाद अपन ने क्या किया विडोग, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। तो चलो ये वाला काम तुम करते रहना। अब मैं एक कोड और ज़रा ट्राई करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि अगर आप में से किसी ने सी प्लस प्लस या सी पढ़ी है तो उसे शायद आइडिया हो, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूँ ऊपर वाला ही कोड, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर वाला ही कोड मैं थोड़ा सा यूज़ कर देता हूँ। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो कम से कम टाइप कीजिए, कंट्रोल वी मैंने टाइप कर दिया। मुझे ये स्टेटमेंट नहीं चाहिए और इसका भी कोई रोल नहीं है, इसे भी हटाओ, ठीक है, और इस स्टेटमेंट का भी कोई रोल नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं आई यूज़ करूँगा तो ना ना है, जाने दो, ठीक है। तो विदाउट कंडीशन ये मैं ट्राई करना चाहता हूँ, कंट्रोल एस, यहाँ पे मैंने लिख दिया व्हाइल में 1, मैं देखना चाहता हूँ मेरा कोड रन होगा या नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखी, जस्ट 1 लिख दिया। तो चेक करते हैं हमारा कंपाइलर क्या करेगा, एरर शो करेगा या नहीं। तो अपर एरो हिट एंटर, ओके, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, मैंने क्या कर दिया, एक बार जरा मैं कोड दोबारा से चेक कर लूँ, व्हाइल, ओके, मेरे कोड में तो कोई गलती है नहीं, ओके। मैं यहाँ 1 की जगह अब ट्रू टाइप कर देता हूँ, तो कंट्रोल एस, ओके, और फिर से CLS क्लियर स्क्रीन, और वापस इन्फेनाइट लूप आएगा, आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ इन्फेनाइट लूप आ रहा है और मैंने कंट्रोल सी दबा के उसे स्टॉप कर दिया। मैं बस एक चीज़ चेक करना चाहता था कि इसमें यहाँ काम करता है या नहीं, अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, जैसे सी और सी प्लस प्लस, इन लैंग्वेजेस में 0 को फॉल्स माना जाता है और 0 के अलावा एनी अदर नंबर उसे ट्रू माना जाता है। तो मैं बस चेक कर रहा था अगर व्हाइल के अंदर मैं कोई भी और नंबर रख दूं जैसे 1, तो ये 1 को क्या ट्रीट करता है, ट्रू या फिर जस्ट एक रॉन्ग एक्सप्रेशन, सिंटैक्स एरर, तो ये सिंटैक्स एरर की तरह ट्रीट करता है। तो मुझे क्या करवाना था, मैंने सोचा क्यों ना एक इनफाइनाइट लूप अपनी तरफ से ही बना दूं, तो मैंने व्हाइल लूप के अंदर लिख दिया ट्रू, कंडीशन डाली ही नहीं। तो जैसे ही ये मेरा कोड व्हाइल लूप में एंटर करता है हमेशा ट्रू लिखा होगा और हमेशा ये रन करता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं, बस, ठीक है। तो ये एक जस्ट एक्सप्रेशन थी जो मैं चेक करना चाहता था। अब चलो इस कोड को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ और एक लास्ट हम चेक कर रहे हैं डू व्हाइल लूप। तो वापस से आइए, अगली हेडिंग डालिए यहाँ पे डू व्हाइल लूप। तो मेरे पास है डू
यहाँ पे ये, और फिर कोशिश करना अगली लाइन की बजाय, ठीक है, व्हाइल जो है उसे इसी के एंड पे यहाँ लिख लेना व्हाइल। तो अगला लूप हमारे पास है डू व्हाइल लूप। इसका मतलब है ऐसे करो जब तक। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो देखो अगर आपके पास व्हाइल लूप है, अकेला व्हाइल वाला है, तो इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन गलत हो गई इन द बिगिनिंग, कोड के शुरू होते ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, इट विल नॉट रन, तो आपका कोड रन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा कोड है, ठीक है, ये वाला स्टार्टिंग वाला ये मेरा कोड है, देखा मैंने डिलीट नहीं किया तो काम आ गया, ये मेरा कोड है मेरे पास स्टार्टिंग वाला। मैंने क्या किया, मैंने आई की वैल्यू दे दी 20, कंट्रोल एस। तो आप देखिए आई की वैल्यू 20 है, जैसे ही मेरा कोड कंडीशन में जाएगा, क्या 20 लेस देन 10 है, तो आंसर है नहीं, और मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस व्हाइल लूप में हमारा कोड जाएगा ही नहीं। और अगर इस व्हाइल में हमारा कोड नहीं गया तो दोबारा से मैं चेक कर देता हूँ क्या आउटपुट आएगा, आंसर है कुछ भी नहीं आएगा। देखिए कुछ भी नहीं आया, मेरा कोड व्हाइल में एंटर ही नहीं हुआ क्योंकि घुसते ही कंडीशन फॉल्स हो गई। तो मैं कंट्रोल जेड 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 ओके ये दबा दिया ताकि मैं अपने कोड पे वापस आ जाऊं। अब चलते हैं डू व्हाइल में, ठीक, बट इन डू व्हाइल लूप, ठीक है, इट विल रन एटलीस्ट वंस इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन गलत है तो भी ये एक बार तो रन होगा। ओके चलो मैं एक बार इसका सिंटैक्स बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन होगी, ठीक है, फिर मैं डू लिखूंगा, इनिशियलाइजेशन का मतलब आई की वैल्यू 0 1 2 ये वाला कोड, फिर मैं डू लिखूंगा, यहाँ पे मेरा कोड ब्लॉक होगा, कोड ब्लॉक के अंदर ही मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं यहाँ व्हाइल लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे एक सेमी कॉलन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कभी भी आपको किसी पैरेंथेसिस के बाद सेमी कॉलन नहीं मिलेंगे, कोड आपका उससे रन हो जाएगा डोंट वरी, लेकिन सॉरी ब्रेसेस के बाद कभी भी आपको सेमी कॉलन नहीं मिलेंगे। और यहां मैंने व्हाइल लिख दिया तो यहां मेरी कंडीशन होगी। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ डू व्हाइल लूप। चलो चेक करते हैं, तो एवरीवन वापस आता हूं मैं, यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं एंट आई, इतने सारे वेरिएबल हैं, सिर्फ आई को ही चूज करेंगे, आई इज द इटरेटर, बाकी कोई लिमिट नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आगे इतने सारे कोड रहे, ठीक है, नाम कुछ भी रख दो अपने वेरिएबल का कोई बात नहीं, लेकिन छोटा सा रखना। फिर मैंने यहाँ लिखा डू और ब्रेसिस लगा दिए, थोड़ा सा कोड को ऊपर कर देता हूँ, और फिर मैंने इसके बाजू में लिखा व्हाइल, यहाँ कंडीशन लगाऊंगा और ये लिख दिया, तो डू, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ठीक है, और यहाँ पे अपन डू व्हाइल लूप में है, ओके, और सेमी कॉलन कंफर्म, ये हमने कर लिया, बस शायद साइज मैंने थोड़ा टेक्स्ट का बड़ा कर रखा है, ओके कोई बात नहीं। और यहाँ व्हाइल में मैंने कंडीशन लगा दी, तो कंडीशन ऊपर वाली ले लेते हैं, आई लेस देन 10, अगेन देखिए हमारा इन्फिनाइट लूप बन गया, आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू अगर मैं चेंज नहीं कर रहा तो हमेशा 0 ही रहेगी, तो हमेशा एक कंडीशन ट्रू रहेगी और हमेशा लूप रन करता रहेगा, तो मैंने यहाँ आई प्लस प्लस लिख दिया, ठीक है, कंट्रोल एस, मैंने लगाया कंट्रोल एस, और फिर वापस आते हैं सी एल एस, यहाँ पे कोड रन किया और आ गया अपन दो व्हाइल लूप में है, दो नहीं है ये बिड़ू डू है।
तो हमारे पास आ गया लिखा हुआ 10 बारी है या 9 बारी है, चेक करो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो शायद तुम्हें पता चल जाएगा ये कितनी बार है। ठीक, 3, 3 6, 3 9 और 1 10। ओके, चेक करो, डू व्हाइल लूप में पहले इंक्रीमेंट होता है या पहले कंडीशन चेक होती। तो अगर आप लोगों को ये चेक करना है कि इसमें क्या होगा, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे प्लस आई लगा दो। ठीक है, इसके साथ नंबर वगैरह प्रिंट होगा, तो कंट्रोल एस कर दिया मैंने। दोबारा से चलते हैं CLS, ऊपर ऊपर और हिट एंटर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे कोड्स हो गए, देख लेना। तो अब जरा कोड को देखते हुए बताओ, इसने पहले इंक्रीमेंट किया या पहले कंडीशन चेक की, ये आपका होमवर्क है। बाकी इजी है, डोंट वरी, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये होमवर्क में ढूंढो, डू व्हाइल लूप में पहले इंक्रीमेंट होगा या फिर पहले कंडीशन चेक होगी। सीक्वेंस में तो ये चल रहा है, बट कोड कुछ और कह रहा है या नहीं, चेक कीजिए, मुझे नहीं पता। बाकी आंसर तो देखो सिंपल है, कोड दो टाइप, लैंग्वेजेस दो टाइप की होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपाइलर होते हैं वो दो वे से काम करते हैं। एक टॉप डाउन अप्रोच जिसे हम बोलते हैं, यानी हमारा कंपाइलर बिल्कुल टॉप से रीडिंग स्टार्ट करेगा लिखनी और बॉटम तक जाता रहेगा। एक होता है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा कंपाइलर नीचे से स्टार्ट करेगा और ऊपर तक जाएगा। सारे कंपाइलर आपको ये वाले दिखेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, जरा ढूंढना डिवाइड एंड रूल कौन सी अप्रोच पे है, टॉप डाउन या बॉटम अप। ये अंग्रेजों की वो वाली कहावत भी है जो बहुत इनफेमस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। डिवाइड एंड रूल एल्गोरिथम में भी एक चीज होती है, ठीक है, तो चेक करना। लेकिन इसे डिवाइड एंड रूल नहीं बोलते, रूल नहीं यूज करते हैं हम, यहाँ पे यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो और छोटे छोटे पार्ट्स को ही सॉल्व करो। तो डिवाइड एंड रूल लिए हैं हम, राज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को कंक्वर कर रहे हैं, जीत रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है डिवाइड एंड कंकर, जरा चेक करना। एक लास्ट चीज और चेक कर लेते हैं, मान लो मेरी कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स है, मैंने यहां लिख दिया आई इज इक्वल टू 20, ठीक है, और यहां पे हम लिख रहे हैं क्या, कंडीशन फॉल्स है। ओके, जस्ट मैं चेक करना चाहता हूँ कि कंडीशन फॉल्स होते हुए भी क्या हमारा कोड रन होगा। तो चलो चेक करते हैं, CLS, अपर स्टेटमेंट्स और हिट एंटर, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ, बट फिर भी रन हुआ ना। ठीक है, कंट्रोल एस, वापस चलते हैं CLS। तो आपने देखा अपने कोड में मैंने आई की वैल्यू गलत दे दी, कंडीशन फॉल्स थी, फिर भी मैंने रन करवा दिया अपने इस स्टेटमेंट को, अपने इस कोड को मैंने फिर भी रन करवा दिया, जस्ट बिकॉज टॉप डाउन अप्रोच। यहां से कोड स्टार्ट होगा, होगा 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 और लास्ट में कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस ऊपर डू पे जाएगा और यहां से स्टार्ट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप को ब्रेक कर देगा एंड इट वॉन्ट गो बैक देयर, ये वहां पे नहीं जाएगा दोबारा। ओके, आया कछु समझ, थोड़ा बहुत, ठीक है, बस यही था, व्हाइल एंड डू व्हाइल।